जगह बताते हैं जिससे आप बआसानी अहमद स्टेट तक पहुंच सकते हैं। नाज़रीन, लियारी एक्सप्रेस से बाहर निकलने के बाद रोड पे लेफ्ट हैंड को टावर की तरफ रास्ता जाता है और राइट हैंड को हॉक्सबे की तरफ रास्ता जाता है। अगर आप राइट हैंड वाली साइड पर आ जाएंगे तो थोड़ा आगे चलने के बाद गुलबाई आएगी। ये वो रास्ता है जहाँ से जो है आपने राइट हैंड को लियारी एक्सप्रेस से बाहर निकलने के बाद टर्न करना है। दिखाई दे रहा है जो कि लियारी एक्सप्रेस में दाखिल होने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। हम इसके नीचे से निकलकर सीधा गुलबाई की तरफ जा रहे हैं। पहुंचने से पहले आप देखेंगे कि एक पुल ऊपर चढ़ रहा है जो शेरशाह की तरफ जा रहा है। आपने इस पुल पे गाड़ी नहीं लेनी बल्कि पुल के साइड से नीचे का जो रास्ता है वो गुलबाई की तरफ जाने के लिए इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, ये जो स्टॉप है ये गुलबाई कहलाता है। इसमें एक रास्ता जो है ये शेरशाह की तरफ से भी आ रहा है और एक टावर की तरफ से भी आ रहा है। ये रास्ता शेरशाह की तरफ से आ रहा है। अगर आप नाज़माबाद की तरफ से आ रहे हैं तो आप इस रास्ते से गुलबाई पहुंचेंगे। गुलबाई पहुंचने के बाद आपने सीधा गाड़ी को नए ट्रक स्टैंड की तरफ ले लेना है। नाज़रीन, ये गुलबाई का स्टॉप है जहाँ से शिराज और मरवत भी आपको मिल सकती है। इस रास्ते पे आने के बाद आपको यहाँ से लेफ्ट हैंड पे टर्न करना है। ये रोड आगे सीधा नहीं जाता बल्कि जो है यहाँ से लेफ्ट हैंड को सारा ट्रैफिक टर्न करता है। आपने भी लेफ्ट हैंड को टर्न करना है। ये लेफ्ट हैंड को टर्न करने के बाद आप नए ट्रक अड्डे की तरफ जो है ना अपना आ जाएंगे। ये सारा ट्रैफिक नए ट्रक अड्डे से घूमता हुआ सीधा मारीपुर की तरफ जा रहा है। सीधे हाथ की तरफ साइनामाइट कंपनी है और साइनामाइट कंपनी से ये रास्ता बिल्कुल सीधा न्यू ट्रक स्टैंड से होता हुआ मारीपुर की तरफ जा रहा है। कहलाती है और सीधा जो है इस जगह से जो है ट्रक अड्डा शुरू होता है। हम तकरीबन उस जगह के पास पहुंच गए हैं। ये जगह बस स्टॉप के एतबार से आटा मिल का स्टॉप कहलाती है। नाज़रीन, इस वक्त न्यू ट्रक स्टैंड जो है शुरू हो गया है और आप देख रहे हैं यहाँ जो है पुराना ट्रक अड्डे से
जो ट्रक माइग्रेट करके आए थे, ये उनका एक बहुत बड़ा स्टैंड है जहाँ से पूरे पाकिस्तान का ट्रैफिक जो है आता जाता है ट्रकों के हवाले से। मार्केट जिस जगह ख़त्म होती है वहाँ जो है मेरीन एकेडमी जो है आ जाती है। ये पाकिस्तान नेवी का ज़ैली इदारा है जहाँ कैडेट्स को सीमैन की और अप्रेंटिसशिप की जो है ट्रेनिंग दी जाती है। ये मर्चेंट नेवी का जो है ना अपना एक ज़ैली इदारा कह सकते हैं आप इसको। अमीन, हमारे लेफ्ट हैंड पर जो है मेरीन एकेडमी चल रही है। माड़ी का टाउन ऑफिस है, ये म्युनिसिपल ऑफिस भी जो है ना अपना कहलाता है, टाउन म्युनिसिपल ऑफिस जो है ना के नाम से ये जाना जाता है। केमाड़ी टाउन में आता है ये। सीधे हाथ की तरफ ये पंप पड़ेगा। के साथ आपने भी टर्न कर जाना है और टर्न करने के बाद मारीपुर पुलिस स्टेशन प्रोमिनेंट जगह है इस इलाके की। मारीपुर पुलिस स्टेशन आपके लेफ्ट हैंड पर है,
ये नुमाया जगह है, अगर कहीं भटक जाए तो मारीपुर पुलिस स्टेशन का पूछ के रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और ये मारीपुर की जनरल मार्केट है जहाँ पिकनिक वाले आमतौर पर रुकते हैं। मारीपुर की मार्केट जिस जगह ख़त्म होती है, यहाँ रोड दो हिस्सों पे डिवाइड होता है। ये जो सीधा रास्ता है ये सेंसपिट और मनोरा की तरफ जाता है, ये जो उल्टे हाथ पर है ये कुव्वत इस्लाम मस्जिद है, जो इसकी जो है ना पक्की पहचान है। यहाँ से अगर आप सीधा जाएंगे तो ये सेंसपिट और मनोरे के लिए रास्ता निकल जाएगा। यहाँ से आपको सीधे हाथ की तरफ जो है गाड़ी लेनी है इस जोड़ से, और जो है ना ये रास्ता हॉक्सबे की सिम जाने वाला रास्ता है। बड़ा बड़ा लिखा हुआ है और इसी के सामने ये कट भी मौजूद है। इसी कट से मरवत कोच अंदर टर्न करती है। इस पे आपने यू टर्न लेकर जो है ना इस पंप के बिल्कुल बैक पर आना है। ये मरवत भी इसी पे टर्न कर रही है। ये पंप है और ये पंप की बिल्कुल बैक पे होटलों के बराबर पर अहमद स्टेट है। अगर आप सीधा जाएं तो आप हॉक्सबे पहुंच जाएंगे और स्कीम 42 का रास्ता भी यही है।